तो मैंने 15 फंदे लिए हैं, 4 के मल्टीपल 12 फंदे और 3 फंदा एक्स्ट्रा, 15 फंदे लिए हैं, 2 लाइन का बॉर्डर बना लिया है। तो पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो इस लाइन में आप फंदे बढ़ा सकते हैं। डिज़ाइन रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगा। तो पहली लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिज़ाइन का पहला लाइन है। तो हम 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। पहले फंदे को सीधा बुन लीजिए या स्लिप कर लीजिए, अगले 2 फंदे सीधे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को हमें बुनना नहीं है, स्लिप कर लेना है, फिर नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे लेकिन ऊन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा, ऊन को अपनी तरफ रखे हुए ही अगला फंदा सीधा, 1 2 3, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट 3 फंदा हमें सीधा बुनना है लेकिन ये हमारा ऊन हमारी तरफ है, अब इसको ऐसे ऊपर से ले जाते हुए 3 फंदा सीधा बुन। अब ऊन अपनी ओर करेंगे तो ऊन को इधर ही रखे हुए सीधा बुन लेंगे, ऐसे करेंगे तो ये जाली बन जाएगा, ऐसे सिलाई के ऊपर से ले जाते हुए इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा ये दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। तो 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 3, और देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो ये इसको भी और दोनों को ऐसे हम दाहिनी सिलाई में ले लेंगे, ऊन को चढ़ाते हुए वापस अपनी ओर लाएंगे और 3 फंदा उल्टा बुन लेंगे, 1 2 3, इससे हमें ऐसे स्लिप करना है और ऊन को सिलाई के ऊपर से ले जाते हुए वापस अपनी तरफ लाएंगे और 3 फंदा उल्टा बुन लेंगे, फिर इसे हमें स्लिप करना है, स्लिप किया, ऊन को सिलाई के ऊपर से ले जाते हुए वापस अपनी तरफ लाएंगे और 3 फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और 3 फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और देखिए तीनों धागों को लेते हुए ऐसे सिलाई डालेंगे, 1 उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर ऊन सिलाई में लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे और फिर 1 और फंदा, तीनों को साथ लेते हुए हमने 3 फंदे बना लिए। अब इसे गिरा देंगे। अब देखिए 3 फंदे सीधा हैं तो इसे हम सीधा बनाएंगे, ऊन अपनी ओर, तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और 3 फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए, 1 बना, ऊन ऊपर से ऐसे चढ़ाते हुए वापस अपनी तरफ लाएंगे, फिर 1 और फंदा बनाएंगे। तो ये देखिए 3 से 3 फंदे बन गए। अब इसे गिरा देंगे, ऊन दूसरी ओर, 3 फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर, देखिए 3 फंदे हैं तो इनसे हमें 3 फंदा बनाना है, ऐसे हम सिलाई डालेंगे, 1 उल्टा फंदा बनाएंगे, ऊन चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे, दूसरा फंदा हो गया, फिर इसे में 1 और फंदा, 3, और लास्ट में 3 फंदे हैं, इन्हें हम सीधा बुनेंगे। अब ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, दूसरे फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे। अब ऊन को दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए हमने जो 3 फंदे बनाए थे तो इसमें से 1 फंदा लेंगे और 1 उल्टे फंदे में से 1 फंदा, इन दोनों को एक साथ लेते हुए 1 सीधा फंदा बनाएंगे, फिर 1 फंदा सीधा और ये तीसरा फंदा और 3 उल्टे फंदों में से 1 फंदा, ऐसे लेंगे और तो ये हमारे 2 फंदे बढ़े थे और दोनों घट गए। अब 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, ऊन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए हाँ यहाँ पे हमारे 2 फंदे बढ़े हैं,
तो इन्हें हमें घटाना है। तो क्या करेंगे, एक तीन में से एक फंदा और एक उल्टे में से दो फंदा हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे, फिर बीच वाला फंदा, फिर इसे हम ऐसे सीधा करेंगे, नेक्स्ट फंदे को लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, बुन अपनी ओर करेंगे एक फंदा उल्टा। फिर देखिए दो फंदों को लिया, सीधा बुनते हुए दो का एक, फिर एक फंदा सीधा, फिर इसे हमने सीधा किया, एक फंदे को और लिया और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाया, बुन अपनी ओर, अब दो फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा बनाएंगे। तो इस तरह हमारा चौथा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड से और अब देखिए पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे, दूसरे फंदे को भी स्लिप करना है, उन हमारा हमारी तरफ रहेगा और फिर अगला फंदा सीधा, यानी उन देखिए ऐसे ऊपर से जाएगा, अगले फंदे को सीधा बुन लेंगे, फिर दो फंदा सीधा। देखिए ये जो सीधा फंदा है इसे हमें स्लिप करना है, उन अपनी ओर करेंगे, इसे स्लिप करेंगे और जो तीन उल्टे फंदे हैं अब वो तीन सीधे फंदे हो जाएंगे, तो उनको अपनी तरफ रखे हुए तीन फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन, उन अपनी ओर। देखिए ये सीधा वाला फंदा इसे हमें स्लिप करना है और ये तीन जो उल्टे फंदे हैं इन्हें सीधा बुनना है, लेकिन उन हमारा हमारी तरफ रहेगा, यानी अपनी तरफ उन रखे हुए ही इन तीनों को हम सीधा बुनेंगे, एक दो तीन, उन अपनी ओर। अगला फंदा देखिए सीधा है, यानी इसे स्लिप करना है, उनको फंदे को दूसरी तरफ करेंगे, फंदे को स्लिप करेंगे, उन हमारा हमारी तरफ है और अगला फंदा हमें उनको अपनी तरफ रखे हुए ही सीधा बुनना है। तो ये हमारा पांचवा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ, तो पहला फंदा या तो उल्टा बुनिए या फिर स्लिप कर लीजिए। अब देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है, तो इन दोनों धागों को हम दाहिनी सिलाई में ले लेंगे, उनको चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और ये तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। अब देखिए इस फंदे को हमें स्लिप करना है, तो दोनों धागों को हम दाहिनी सिलाई में ले लेंगे, उनको चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और तीन फंदा उल्टा, फिर स्लिप करने वाला फंदा आ गया, तो इसे हम दाहिनी सिलाई पर कर लेंगे बिना बुने, उनको चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और तीन फंदा उल्टा बुने, फिर देखिए स्लिप करने वाला फंदा, तो इसे हम स्लिप कर लेंगे, उनको चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और अगला फंदा इसे हम उल्टा बुने। तो ये हमारा छठा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का सातवां लाइन है। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या फिर सीधा बुन लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे। अब देखिए ये तीन फंदे हैं, तो इन तीनों को एक साथ लेते हुए तीन फंदा बनाएंगे, उल्टा बुनते हुए तीन फंदा, एक उनको सिलाई में चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे, दो और फिर इसी में एक और उल्टा फंदा, तो तीन, तो तीन से देखिए हमारे तीन फंदे हो गए। अब ये तीन सीधे फंदे हैं, तो इन्हें हम सीधा बुनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा, अब फिर उन अपनी ओर करेंगे, अब इन तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए तीन फंदा बनाएंगे, एक दो तीन, फिर उन दूसरी ओर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, उन अपनी ओर, अब फिर इन तीन फंदों से तीन फंदा बनाएंगे, एक दो तीन, उन दूसरी ओर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, इस तरह ये हमारा सातवां लाइन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। अब देखिए अब इन तीन फंदों में से को हमें एक बनाना है, यानी यहाँ से दो फंदे जो बड़े हैं उसे घटाना है, तो
तो क्या करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक, फिर एक फंदा सीधा। अब इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, नेक्स्ट फंदे को लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। उन अपनी ओर बीच का फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर दो फंदे लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक, फिर एक फंदा सीधा। फिर इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, अगले फंदे को लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना देंगे। उन अपनी ओर अगला फंदा उल्टा, तो देखिए फ्रेंड, आठ लाइन का ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। सामने से ऐसा दिखाई देगा और पीछे से ऐसा। अब जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है इसे हमें स्लिप करना है, जो उल्टे फंदे दिखाई देना है दे रहा है उस पर हमें सीधा फंदा बुनना है। तो आठ लाइन का और चार फंदों का और आठ लाइन का ये डिज़ाइन है, डिज़ाइन आपके सामने। तो देखिए फ्रेंड, चार फंदों का और आठ लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है, डिज़ाइन आपके सामने है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।